हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमृतमल। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, फॉरवर्ड टर्निंग और रिवर्स टर्निंग का हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स, इसका मतलब क्या है कि आप एक बार राइट टूल चलाओगे और एक बार लेफ्ट टूल चलाओगे। इसको बनाने के लिए, इसको अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे इसे, इस पार्ट को मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले इसका डायमेंशन जान लेते हैं। ये डाया है 100 mm, ये डाया है 100 mm, और ये लंबाई है 15 mm, और ये डाया है जहां पे हमें ये साइज बनाना है ग्रुप, ये साइज है 75 mm, ये, और ये लंबाई है 100 mm, ये कलर है 15 mm। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम दो तरीकों से बना सकते हैं। सबसे पहला है कि हम इसको ग्रुप टूल से बनाएंगे। अगर मैं इसे ग्रुप टूल से बना रहा हूं, अगर एक पीस बनना है, ओनली वन पीस या दो पीस, अगर आपको एक से दो पीस बनना है तो आप यहाँ पे ग्रुप टूल लगा के इसको बना लो। लेकिन अगर ये मास प्रोडक्शन है, 50 पीस है, 100 पीस है या उससे ज्यादा है, तो फिर अगर आप ग्रुप टूल से इसे बनाओगे तो फिर वो सही नहीं है। टाइमिंग आपका ग्रुप टूल में ज्यादा लगेगा। अगर इसको बनाओगे तो कम से कम मान के चलो ये आधा घंटा आपका ले लेगा, आधे घंटे एक पीस में जाएंगे। अगर एक दो पीस है तो इन चीजों को जहां पे आप काम करते हो वहां का सुपरवाइजर हो चाहे मैनेजर हो, तो उतना ही ध्यान नहीं देता है कि एक पीस में कितना टाइम लगा, 2 घंटा लगा या 1 घंटा लगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक दो पीस बनाने हैं। लेकिन अगर मास प्रोडक्शन है, 100 पीस चाहिए, 200 या उससे ज्यादा, तो फिर आपका टाइम यहाँ पे मैटर हो जाता है। फिर आपको टाइमिंग यहाँ पे मैटर होता है कि टाइम आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो जब ज्यादा पीस हमारे पास रहे मास प्रोडक्शन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो टूल का इस्तेमाल करते हैं, एक लेफ्ट टूल और एक राइट टूल। हम बनाएंगे इन दोनों टूलों से, ये हमारा लेफ्ट टूल और ये है राइट टूल। इन दोनों टूल से हम इसको बनाएंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स। एक बार यहां से ऐसे चलेगा और उसके बाद से जो मटेरियल यहां पे बचेगा यहां से ऐसे चलेगा। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम पे। O02 प्रोग्राम नंबर N1 सिक्वेंस नंबर G28 U 0.0 W 0.0, हमारा मशीन होम हो गया T 0303, हमारा टूल नंबर है G92 F 1200 M 03, यहाँ नहीं रहेगा, F 1200, G96 F 180 M 03, गो एक्स है, एक्स कितना है, 100 है, एक्स है 102, 102.0, जेड 2.0। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये हमारा हेडर, ये हर प्रोग्राम में मिलता जुलता होता है। मेन प्रोग्राम हमारा ये है, मेन प्रोग्राम हमारा ये है, गो एक्स 102.0, जेड 2.0। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे। गो एक्स, एक्स 100 है तो 102, 102.0, जेड 2.0। टूल हमारा यहां पे आ गया, टूल हमारा यहां पे आ गया, यहां पे इस जगह पे, इस डाय से 2 mm ऊपर, 100 से 2 mm ऊपर और फेस से 2 mm आगे। टूल हमारा कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, टूल इस्तेमाल हो रहा है ये वाला, इस टूल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेफ्ट टूल। सीएनसी मशीन में जितने भी टैलेट वाली मशीनें होती हैं, सारे में लेफ्ट टूल का इस्तेमाल होता है, तो हम लेंगे लेफ्ट टूल। ये हमारा लेफ्ट टूल है। हमने क्या किया, यहां पे इसका ऑफसेट लिया फेस पे टच करके, और एक्स पे टच करके जितना भी डाया इसका है, हमने इसका ऑफसेट ले लिया, जेड 0.0 यहां पे और एक्स डाया लिख के 100.0, तो 100.0 करके हमने इसको मेजर कर दिया। टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं ये लेफ्ट टूल, लेफ्ट टूल BNMG। इसको बनाने के लिए आपका टूल परफेक्ट होगा BNMG टूल हम लेंगे, और BNMG लेफ्ट टूल हो गया। अब मैं चलूंगा गो G01, G01 टूल हमारा यहां पे खड़ा है। अगर मैं यहां पे देखूं तो टूल हमारा यहां पे खड़ा है,
15 एमएम का हमारा कॉलर है G01 Z माइनस 15 है तो 15 की जगह हम लेंगे 18 जेड माइनस 17 लेते हैं 17.0 फिर 0.25 15 में हमारा ये कॉलर है, टूल हमारा आ गया यहां पे 15 और 2 17 टूल हमारा आ गया यहां पे, मतलब मान के चलो यहां पे आ गया, यहां पे 17 एमएम दूरी पे, यहां मैं 17 लिख दू 17 यहां से टूल हमारा 17 एमएम दूरी पे आया। 17 क्यों आया आप देखो इस टूल को, अगर आप डायरेक्ट यहां पे मैं 15 लेके आऊं, यहां पे मैं 15 लेके आऊं और प्लंज करूं, मैं 2 एमएम में माइनस करूं 100 से, ये डाया मैं 98 करूं, अगर मैं 98 करूं तो जब 98 करूंगा तो ये साइड, ये वाला ये साइड इसके अंदर में लगेगा, यहां पे यहां पे यहां पे टच होगा, इसलिए मैं 17 लिया हूं जेड माइनस 17.0। जब ये 2 एमएम प्लंज होगा, जब मैं 98 लिखूंगा यहां पे 2 एमएम प्लंज होगा तो हमारा ये साइड छूट जाएगा, 2 एमएम जो है ये 2 एमएम हमारा छूट जाएगा, जेड माइनस 17 जो है 2 एमएम हमारा यहां पे छूट जाएगा। तो हमारा देखो इस तरह से होगा, अगर टूल हमारा इस तरह से होगा, जब ये प्लंज करेगा ये हिस्सा, तो अगर मैं 15 करूंगा तो यहां तो आएगा ये 98 पे, लेकिन ये हिस्सा, ये कोना, ये यहां पे टच होगा इस पार्ट में, 15 के अंदर में ये टच होगा, तो इसलिए मैं इसे 17 किया हूं, जेड माइनस 17.0 G01 G01। अब मैं लूंगा कितना 100 G01 X 100.0 100.0 फिर 0.25 टूल हमारा 100 डाय पे आ गया, 17 एमएम लंबाई पे टूल हमारा 100 डाय पे आ गया, यहां पे 100 डाय पे और 17 एमएम लंबा, ये मान लो आपका 17 एमएम है, 17 एमएम लंबाई में आ गया, यहां से 17 एमएम अंदर आ गया और 100 एमएम डाय पे G01 एक्स। मैं लूंगा 4 एमएम का कट, आप हकीकत में 4 एमएम का कट नहीं लेना, आप हकीकत में 2 एमएम या 2.5 एमएम या लास्ट 3 एमएम, मैं 4 एमएम का कट इसलिए ले रहा हूं कि ज्यादा वीडियो हमारी लंबी न पड़े, बस आपको फार्मूले मालूम पड़ जाए कि प्रोसेस क्या है करने का इसका। तो मैं लेंगे, हम लेंगे 4 एमएम का कट G01X 96.0 Z माइनस 19.0 टूल हमारा कहां पे है, 100 डाय पे है, यहां पे है। अब यहां से हमने क्या किया, 96 G01X 96.0 Z माइनस 19.0। अब यहां से टूल हमारा यहां पे खड़ा है, ऐसे देखो टूल ऐसे खड़ा है, अब यहां से ये आएगा 96 और 2 एमएम अंदर आएगा 19, ये 17 है, 17 से 2 एमएम अंदर आएगा और डाया आएगा 19, ऐसे आएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आएगा, एक्स भी चलेगा और जेड भी चलेगा। एक्स कितना चला, एक्स चला 96 पे, एक्स आ गया 96 डाय पे और जेड चला यहां से 2 एमएम, यहां से 2 एमएम, यहां से टूल हमारा यहां पे आ गया G01 X 96.0 Z माइनस 19.0 टूल आ गया यहां पे G01 Z माइनस अब 19 पे हमारा आ गया यहां पे, यहां से अब यहां से हमें जाना है 100 ये और 15 ये, 15 एमएम कलर की लंबाई है और 100 एमएम हमारा ये लंबाई है जो अंदर हमारा ग्रुप है इसकी लंबाई है, तो जेड माइनस 114.9 0.1 मान मैं यहां पे रख रहा हूं, पूरा 115 नहीं आ रहा हूं, लास्ट में जब मैं आऊंगा तो इसको 115 ले लूंगा पूरा यहां से लेके यहां तक और यहां से टचिंग करके हम बाहर कर लेंगे, तो जेड माइनस 114.9 फिर 0.25 टूल हमारा यहां पे आ गया, यहां से कटिंग किया, यहां से ऐसे कटिंग किया और टूल आ गया हमारा यहां पे, यहां पे टूल आ गया इस जगह पे, टूल आ गया यहां पे, जेड माइनस कितना आया, जेड माइनस 114.9 यहां से 114.9 टूल हमारा यहां पे आ गया,
यहाँ आया तो ये कटिंग इधर भी है, दोनों साइड में कटिंग हो रहा है, बस आपको यहाँ पे एक साइड में दिख रहा है लेकिन ये कटिंग दोनों साइड में है, सिलेंडर पीस है, राउंड पीस है ये। अब यहां से हम क्या करेंगे, टूल को कहां ले जाऊंगा मैं, टूल को ले जाऊंगा मैं यहां पे, जहां पे मैं खड़ा किया था एक्स 102.0 जेड -17, टूल को मैं यहां पे ले जाऊंगा। तो ये हिस्सा हमारा कट गया है, ये कटिंग हो गया है, तो इसको मैं एक्स और जेड दोनों साथ में ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ बीच में कहीं भी एक्सीडेंट होने का डर नहीं है क्योंकि ये खाली हो गया है, ये कटिंग हो गया है। गो गो एक्स 102.0 जेड माइनस, अब मैं जेड माइनस कितना लूंगा, जेड माइनस ये हमारा 19 था, इसको मैं हटा दूं, ये हमारा 19 था, 19 जेड माइनस ये हमारा 19 था, 19 से हमारा यहां से 17 से टेपर हुआ था और 19 पे आया था, तो मैं इससे 2 mm आगे आऊंगा, इससे 2 mm आगे आऊंगा। अगर यहां पे आऊंगा तो ये कोना यहां पे टच होगा, ये वाला, ये चीजें यहां पे टच हो गया, तो 19 से मैं 2 mm आगे आऊंगा, जेड माइनस 21.0 यहां पे फिट नहीं रहेगा क्योंकि हम गो में लाए हैं, रैपिड में लाए हैं, गो एक्स 102.0 जेड माइनस 21.0, टूल हमारा यहां पे आ गया, यहां पे 102 डाय पे खड़ा हो गया, 102 डाय पे, और जेड माइनस 21, देखो 19 ये है और जेड माइनस 21, अगर मैं यहां से लाऊं तो जेड माइनस 21 21 mm, यहां से फेस से 21 mm अंदर में है टूल हमारा, और ये फेस से 2 mm ऊपर, इस फेस से डाय से, इस डाय से 2 mm ऊपर, यहाँ पे टूल यहाँ पे खड़ा हो गया, G01 एक्स, अब मैं एक्स कितना होगा, ये हमारा 96 टर्निंग हो गया है, ये 96 हमारा टर्निंग हो गया है, तो अब मैं आऊंगा 92 यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा G01 एक्स 96.0 फीट पॉइंट टू फाइव टूल हमारा यहाँ पे आ गया 96 पे, यहाँ से 96 पे आ गया, 96 पे, और लंबाई कितना आ गया 21, टूल यहाँ पे आ गया, ऊपर नहीं है, अब पहले ऊपर था फर्स्ट कट में, अब आ गया यहाँ पे 96 डाय पे, यहाँ पे टूल हमारा आ गया। अब यहाँ से G01 एक्स 92.0 जेड माइनस कितना होगा, अब 21 पे हमारा यहाँ पे टूल है, ये 21 पे, अब यहाँ से 2 mm आगे आऊंगा मैं, यहाँ से टूल हमारा चला 96 और जेड माइनस 23 21 पे हमारा यहाँ था, ये है 21, अब जेड माइनस 23.0 फिर .2 टूल यहां से चला 96 पे आया, और 96 पे आने से ये आ गया 94 पे, और जेड माइनस 23 यहां पे आ गया, देखो ये हमारा टूल यहां पे लगेगा नहीं, जेड माइनस 23 टूल ऐसे आ गया यहां पे। अब यहां से आके जेड माइनस 114.9 फीट .25 टूल हमारा यहां पे आ गया। अब यहां से मैं ले जाऊंगा टूल कहां पे, यहां से ले जाऊंगा मैं आगे, यहां पे कितना आगे ले जाऊंगा, 23 हमारा आ गया है, 23 हमारा आ गया है। अब मैं जाऊंगा 25, अब टूल हमारा कहाँ पे खड़ा होगा, एक्स 100 डाय पे, यहाँ पे 100 डाय पे, और जेड माइनस गो एक्स 102 गो एक्स 102.0 जेड माइनस कितना आएगा, जेड माइनस 25.0 टूल हमारा यहां से, ये 21 और 2 23 हमारा यहां तक चल गया है।
अब आएगा 25 यहां पे, यहां पे आएगा जेड माइनस 25.0। टूल हमारा यहां से चला, यहां से चला और यहां पे आ गया, यहां पे आके यहां पे जेड माइनस 25 आ गया। मैं इसको यहां से 2 mm ऊपर उठा के मैं यहां पे ला सकता हूं, यहां पे अगर मैं यहां पे लिख दूं गो यू यू 2.0। अब देखो, अब मैं यहां पे इंक्रीमेंटल लगा रहा हूं। हमने इसके पहले दो कट में एक्स लगाया, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में लिया, अब मैं लगा रहा हूं इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल वैल्यू में हम इसको कैसे बनाएंगे, दोनों चीजों सीखो आप दोनों को सीखो, इंक्रीमेंटल भी और एब्सोल्यूट भी, दोनों में प्रोग्राम हमें बनाने आना चाहिए। गो यू 2.0। अब टूल क्या कर रहा है, यहां पे होने के बाद में यहां से सिर्फ 2 mm ऊपर जा रहा है, यहां से हम पूरा एक्स 102 पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हमारा कटिंग हो गया है। अब यहीं से इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या कहता है कि आपका जहां पे है टूल, देखो जेड माइनस 114.9 हमारा यहां पे आ गया, कितने डाये पे है 92 डाये पे, तो यहां से ये सिर्फ 2 mm ऊपर जाएगा। गो यू 2.0, 2 mm ये ऊपर जाएगा और जेड माइनस 25.0। अब यहीं से ऐसे ये टेपर में जाएगा, दोनों साथ में जा रहे हैं, देखो गो यू 2.0 जेड माइनस 25.0, यहां से दोनों साथ में जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, कहां पे गया यू 2.0, यहां से टेपर में स्टार्ट हुआ और 2 mm ऊपर उठा हुआ है और जेड माइनस 25 हमारा टूल आ गया यहां पे, जेड माइनस 25, टूल हमारा 25 पे आ गया, G01 एक्स। अब मैं एक्स कितना लूंगा, G01 एक्स, एक्स हमारा 92, अब मैं यहां पे आऊंगा 92, यहां से टूल आया और आया 92 यहां पे, एक्स 92.0, G01 एक्स 92.0 फीट पॉइंट 25, टूल हमारा 92 पे आ गया, 92 डाय पे, जो हमारा टर्निंग किया देखो 92 यहां पे आ गया, यहां पे आके खड़ा हो गया, जेड माइनस कितना 25। अब यहां से लूंगा मैं ऐसे G01 एक्स, ऐसे लूंगा, अब मैं एक्स लूंगा, ये डाया है हमारा 75, तो अगर मैं 4 mm का कट ले रहा हूं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, थोड़ा इसको मैं ज्यादा नीचे ले रहा हूं, कट मैं ज्यादा ले रहा हूं, अब हकीकत में इतना कट मत लेना। G01 एक्स, एक्स एक्स कितना होगा मैं, एक्स 75 है तो 76, एक्स 76.0, एक्स 76.0, जेड माइनस, अब जेड माइनस में कितना होगा, जेड माइनस ये है 25, तो अब मैं आऊंगा जेड माइनस, जेड माइनस 27.0, 27.0 टूल हमारा आ गया यहां पे, टूल हमारा यहां से चला और यहां पे आ गया, एक्स 76.0 और जेड माइनस 27.0, यहां से, यहां से ये लंबाई 27 हो गया, 27.0, तो हमारा आ गया G01 एक्स 76.0 जेड माइनस 27.0, टूल आ गया यहाँ पे, यहाँ से चला कहाँ से 92 से, 92 से चला यहाँ से और ऐसे यहाँ पे आ गया 76 जेड माइनस 27.0, टूल हमारा यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे इन चीजों का ध्यान दो, मैं यहाँ पे ज्यादा कट लिया हूँ, देखो मैं डायरेक्ट 76 गया हूँ 92 से मैं डायरेक्ट 76 गया हूँ, अगर मैं 3-3, 4-4 mm का कट लेता तो 2-3 कट और बढ़ते वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसका बनाने का तरीका क्या है, सिर्फ आपको तरीका समझना है, मैं 4 कट दूं या 6 कट दूं, बस आप तरीके समझ लो। जेड माइनस 27.0 G01 जेड माइनस अब मैं कितना होगा 114.9 फीड पॉइंट 25, ये हमारा 1 mm माल और इस पे कटेगा, देखो 76 हमने कर लिया, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं।
ऊपर का मैं मिटा रहा हूं। गो गो एक्स एक्स नहीं लिखूंगा यू गो 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 यू 2.0 जेड माइनस 29.0 29.0 टूल हमारा यहां से बैक गया दो में उठते हुए और जेड माइनस 27 है तो जेड माइनस आ जाएगा 29 टूल हमारा यहां पे खड़ा हो गया जेड माइनस 29 यू 2.0। अब मैं लूंगा G01 एक्स एक्स में कितना लूंगा एक्स में गया था 76 देखो G01 एक्स 76 मैं मोटा कट लिया था डायरेक्ट 92 में 76 पे आया था तो एक्स में लूंगा 76 यहाँ पे यहां से G01 एक्स 76.0 टूल हमारा यहां से ऐसे यहां पे आ जाएगा यहां पे और यहां से कितनी दूरी पे आया जेड माइनस आया 29 टूल हमारा यहां पे आ गया इस जगह पे। अब यहां से मैं लूंगा x 76.0 फीट पॉइंट 25 टूल हमारा आ गया 76 डाय पे यहां पे टूल आ गया 76 डाय पे G01 x 75.0 जेड माइनस 29 है तो 31.0 टूल हमारा 76 डाय पे यहां खड़ा हो गया यहां पे 76 डाय पे खड़ा हो गया। अब यहां से कितना गया 75 और जेड माइनस कितना गया 31 ऐसे गया जेड माइनस 31 G01 जेड माइनस अब मैं लूंगा जेड माइनस 115.0 पॉइंट माल मैं यहां पे छोड़ रहा था देखो दो तीन कट में 114.9 जेड माइनस 114.9 तो पॉइंट वन माल मैं इस फेस पे छोड़ रहा था। अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूं एक एमएम का कट में फिनिशिंग कर लिया यहां पे और इसे मैं क्लीन कर रहा हूं जेड माइनस 115.0 फिर 0.25 G01 एक्स अब मैं एक्स लूंगा ये 100 है मैं टूल को बाहर निकालूंगा G01 एक्स 102.0 G01 एक्स 102.0 फिर 0.2 टूल हमारा यहां से कटिंग करते हुए 75 डाया बना के यहां पे आ गया यहां पे 102 यहां पे आ गया इस जगह पे। अब यहां से मैं इसको डायरेक्ट होम कर लूंगा अगर मैं इसे यहां से होम करूं तो डायरेक्ट ये यहां से होम होगा कहीं भी हमारा एक्सीडेंट होने का कोई डर नहीं है सीधा जगह हमारा खाली है यहां पे तो गो G28 U0.0 W0.0 M0 9 कूलेंट बंद कर दिया M05 हमारा स्पिंडल बंद हो गया M30 प्रोग्राम इंड एंड रीसेट प्रोग्राम हमारा इंड एंड रीसेट हो गया। ये हमारा एक साइड से बन गया ऐसे ये कटिंग कैसे किया मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको इसने कटिंग कैसे किया है यहां से ऐसे चला और फिर ये ऐसे आया फिर यहां से एक्स गया 102.0 और जेड माइनस इससे 3 mm अंदर आया था 3 mm अंदर ये था और 2 mm ये तो टूल हमारा ऐसे आया यहां पे खड़ा हुआ। अब यहां से एक्स और जेड दोनों चल रहे हैं यहां से एक्स और जेड दोनों चला फिर यहां से ऐसे आया इस तरह से फिर अब यहां से जो हमने दिया था गो यू 2.0 अब ये एक्स 102 नहीं जाएगा यहीं से 2 mm ऊपर उठेगा ऐसे और यहां पे आएगा ऐसे फिर ये नीचे कहां पे आएगा नीचे आएगा आपका 92 जो भी डाया आपका है यहां पे आया और यहां से फिर टेपर बनाया 2 mm का और ऐसे आया
ऐसे फिर यहां से आके होम हो गया। तो ये हमारा हो गया एक साइड से, हमारा ये कटिंग हो गया। अब बचा हमारा ये पोर्शन, ये वाला, ये हिस्सा हमारा बच गया, ये हिस्सा। तो इसको मैं कैसे करूंगा, अब मैं इसे काटने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करूंगा, राइट टूल का। इसका हम ऑफसेट लेंगे ऐसे, यहां पे इसका ऑफसेट लूंगा मैं इस तरह से, ये टूल है हमारा, इसका ऑफसेट लूंगा मैं इस तरह से। देखो ये पोर्शन इस फेस पे लाएंगे हम, यहां पे ये पोर्शन इस फेस पे लाएंगे और स्केल लेके यहां पे मैं स्केल लगाऊंगा, यहां पे मैं स्केल लगाऊंगा ऐसे, इस फेस पे स्केल लगाऊंगा, स्केल लगा के उसके बाद से इसका हम ऑफसेट लेंगे Z0.0। स्केल के बराबर में ये हमारा होना चाहिए, फेस पे स्केल है और स्केल के अंदर में ये है हल्का टच है, टच करके हम इसको Z0.0 इसका ऑफसेट ले लेंगे। अब मैं इसका प्रोग्राम बना रहा हूं, गो X 2.0 Z माइनस में कितना आएगा 31, ये है देखो 31 ये हो गया और 15 में हमारा ये हो गया 31 10 41 42 43 44 45 46 Z-31 ये और 15 ये 46। तो मैं ले लूंगा इसे 48.0 Z-48। अब टूल हमारा यहां से 15 ये और 31 46 से थोड़ा 2 mm हमारा आगे आ जाएगा। यहां पे आप 50 भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, बस कंसेप्ट आप समझ जाओ कि आपको यहां पे खड़ा कैसे करना है। Z-50.0 50.0 टूल हमारा यहां पे आ गया, यहां पे टूल हमारा यहां पे आ गया Z-50.0 G01 X। अब मैं X कितना लूंगा, इधर से मैं 5 mm का कट ले रहा हूं, वीडियो लंबी नहीं बने, 5 mm का मैं कट ले रहा हूं G01 X 95.0 5.0 फिर 0.25। टूल हमारा यहां पे आ गया, यहां पे अब देखो यहां पे ये खाली जगह है, यहां पे जो पहला कट हमें लिया था तो ये खाली जगह है, तो इसे अगर मैं चाहूं तो थोड़ा नजदीक भी ला सकता हूं, इसको मैं थोड़ा नजदीक भी ला सकता हूं। देखो Z-19 है, ये हमारा Z-21, अगर मैं इसको Z-50 न लिख के Z-21 लाऊं इस जगह पे, टूल को मैं यहां पे खड़ा करूं 95 डाये पे और यहां पे Z-21 19 ये है, 2 mm ज्यादा इससे यहां पे, तो साइकिल टाइम हमारा कम आ जाएगा और पीस हमारा आराम से बनेगा। लेकिन मैं थोड़ा बाहर खड़ा करता हूं, कि अगर आप इसे सीख रहे हो तो सीखने के टाइम में आप इसको जो लास्ट पॉइंट है नीचे का, जो नीचे का लास्ट माल छोड़ा है 31 mm ये वाला, आप यहां पे खड़ा करो। जब आप एक बार दो बार इस प्रोग्राम को बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम पहला टूल कहां पे खड़ा करें, ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर में आएगी, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे उसी हिसाब से आपका इसका प्रैक्टिस बनते जाएगा। तो आप टूल यहां पे खड़ा करो, हमने टूल खड़ा किया है Z-50.0 G01 X 95.0, टूल हमारा यहां पे आ गया, यहां पे अब यहां से कटिंग करेगा G01 G01 Z-Z कितना है 15, तो Z-15.1 15.1 फिर 0.25। टूल हमारा यहां से कटिंग किया, ऐसे कटिंग किया और पूरा 15 नहीं गया, 15.1 गया, 15.1 एक पॉइंट हमारा छूट रहा है फेस पे। अब गो यू 2.0 Z-50.0 टूल हमारा यहां पे खड़ा हुआ है, देखो यहां पे खड़ा है Z-15 50 यहां से 50 लंबाई पे टूल खड़ा हुआ है, तो G01 Z-15.0 टूल यहां से चला Z-15.1 यहां पे आ गया। अब यहां से गो यू 2.0 Z-50.0 यहां से 2 mm टूल ऊपर उठा
और यहाँ पे ऐसे आया जेड माइनस 15.0 G01 एक्स 90.0 फिट पॉइंट 25 टूल हमारा यहाँ से नीचे आए 90 पे। देखो ये फ्री जगह है, ये सारे फ्री जगह है, जेड माइनस 19.0 फिट पॉइंट 25 G01 जेड माइनस 15.1 फिट पॉइंट 25 टूल यहाँ से 90 डाय पे गया और यहाँ से 15.1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से गो यू 2.0 जेड माइनस 50.0। अब यहाँ से टूल 2 mm ऊपर उठा और जेड माइनस 50 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से G01 एक्स 85.0 फिट पॉइंट 25। अब यहाँ से आ गया 85। अब यहाँ से जेड माइनस G01 जेड माइनस आ गया 15.1 टूल हमारा यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। गो यू 2.0 जेड माइनस 50.0 टूल यहाँ से चला और 2 mm उठा और जेड माइनस 50.0 टूल यहाँ पे आ गया। G01 एक्स मैं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि 5 mm का कट मैं ले रहा हूँ, थोड़ा मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, वीडियो हमारी लंबी बन जा रही है। G01 76.0 फिट पॉइंट 25 टूल हमारा आ गया 76 पे, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से जेड माइनस 15.1 फिट पॉइंट 25 हमारा टूल यहाँ से चला, यहाँ से जेड माइनस 15.1 यहाँ पे। अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा गो यू 2.0 जेड माइनस 50.0 यहाँ से टूल हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। G01 एक्स लिखूंगा मैं 75 एक्स 75.0 फिट पॉइंट 25 अब हमारा टूल यहाँ 75 पे आ गया, यहाँ पे G01 जेड माइनस अब मैं लूंगा 15, पहले मैं 15.1 ले रहा था, अब मैं लूंगा 15 G01 जेड माइनस 15.0 फिट पॉइंट टू G01 एक्स मैं लूंगा, अब यहाँ पे जेड माइनस 15 हो गया। अब यहाँ से एक्स 102 G01 एक्स 102.0 फिट पॉइंट थ्री के स्पीड में। अब यहाँ से टूल हमारा यहाँ पे आ गया, एक्स 102.0। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट होम कर लूँगा, यहाँ से G28 यू 0.0 डब्ल्यू 0.0 M05 M09 M30 प्रोग्राम इंड एंड रिसेट। दोस्तों इस चीज को आप बनाओगे कैसे, बस आपको फॉर्मूला बता रहा हूं मैं कि ये किस तरह से बनाना है, बाकी आप कट अपने हिसाब से इसका मैनेज करो कि कट कितना लोगे, 1 mm का लोगे या 2 mm का लोगे। अगर यहाँ पे छूट रहा है तो डायरेक्ट आप 50 ने आके यहाँ पे देखो जेड माइनस जो मैं 50 लिखा हूँ, डायरेक्ट 50 ने आके तो यहाँ पे आप देख लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, इससे 2 mm आगे आ जाओ। बस आपको कंसेप्ट समझना है, मैं इसको दूर रखा हूँ क्योंकि आप बिगनर हो, अगर कहीं बीच में आप गलती कर रहे हो और यहाँ का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो मशीन में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करो, एक डिटेल में एक वीडियो इसके ऊपर मैं और बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।